अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। लव जिहाद के मफरूजे को हकीकत के तौर पर पेश करने वाली फिल्म केरला स्टोरी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। CPM, कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और दीगर पार्टियों ने खुलकर इस फिल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, जबकि केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने फिल्म साजों को निशाना बनाते हुए इस फिल्म को संघ परिवार का एजेंडा और मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने निशानदेही की कि फिल्म में लव जिहाद के इस मफरूजे को हकीकत बनाकर पेश किया गया है, जिसे न सिर्फ अदालतें मुस्तरद कर चुकी है बल्कि तफ्तीशी एजेंसियां और वजारत दाखिला भी खारिज कर चुकी है। फिल्म पर एतराज़ करते हुए पिनाराई विजयन ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर से पहली नज़र में यह जाहिर होता है कि इसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि फ़िरके वाराना मुनाफरत फैलाई और केरला के खिलाफ नफरत के प्रोपेगेंडे को फ़र्ग दिया जाए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मफरूजे को वजारत दाखिला और अदालतें मुस्तरद कर चुकी है, फिर भी इसे केरला के पस मंज़र में इस तरह दिखाया गया है कि रियासत की तौहीन की जा सके। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। I would like to extend my gratitude to MS Education Academy for giving us the opportunity for being one of the 100 young parliamentarians. सितारों से आगे जहां और भी है, हमें ये जरूरत है कि हम हमारे पर फैला के परवास करें। Please click the following link in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने महाना रेडियो प्रोग्राम की 100वीं किस्त नशर होने के मौके पर इस प्रोग्राम को अपने लिए रूहानी सफर करार दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में दिल्ली मुंतकिल होने के बाद इन्हें जो खालीपन महसूस होता था, इसे इस प्रोग्राम ने पूर करने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के बाद मिलने वाले हज़ारों मकतूब इन्हें जज्बाती कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि मन की बात एक ऐसा त्यौहार बन गया है जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आवाम के मजबूत पहलू का जश्न मनाया जाता है। वादरे के हुकूमत ने मन की बात की 100वीं किस्त को तारीखी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी। मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी इनके नशरिए का खसूसी अहतमाम किया गया था। BJP ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के रात नशरिए को रियासत उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा मदरसों में दिखाया गया। BJP अखिलेश मोर्चे के सदर कुंवर बासित अली ने दावा किया कि हमने रियासत के 100 मदरसों में मन की बात के 100वें एपिसोड को पेश करने का मंसूबा बनाया था। तहम रियासत भर में 300 से ज्यादा मदरसों में यह प्रोग्राम देखा गया। लखनऊ में इस प्रोग्राम को मदरसे हुसैनी और अरफानिया नामी मदरसों में सुना गया। ज़राए की जानिब से राबता करने पर रियासती वज़ीर अखिलेती महबूब दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि मदरसों के तलबा और असातिज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म के रेडियो प्रोग्राम की समाअत की। 100 मदरसों में इस प्रोग्राम को सुनाने का हमारा हदफ था, लेकिन हमें पता चला है कि ज़्यादा 300 मदरसों में इस प्रोग्राम को सुना गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इन्हें मिलने वाली धमकियों पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा है कि वो इस सिलसिले में तमाम एहतियात बरत रहे हैं। दुबई में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तहफ़ुज़ से बेहतर है, मुझे सिक्योरिटी दी गई है, अब सड़क पर साइकिल चलाना या अकेले कहीं जाना मुमकिन नहीं रह गया है। इस सब से बढ़कर अब मुझे यह मसला दरपेश है कि जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग मुंह भी बनाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे पुरसितारों, बहुत संगीन ख़तरा है, इसीलिए सिक्योरिटी दी गई है। सलमान खान ने कहा कि हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ जाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिक्योरिटी के बगैर घूमना शुरू कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में घर में नजरबंद समाजी कारकुन गौतम नौलिखा को हिदायत दी है कि वो अपनी हिफाजत के लिए पुलिस अहलकारों की फरहमी के खर्च के तौर पर मजीद 8 लाख रुपये जमा कराएं। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बताया कि NIA का कुल बिल 66 लाख रुपये बकाया है, जिसके बाद जस्टिस KM जोसेफ और PV नागरत्ना की बेंच ने नौलिखा को मजीद 8 लाख की रकम जमा करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई के अंधेरी में MIDC में वाक़ मदरसा अरबिया रिजविया गौसिया मस्जिद के रीडेवलपमेंट का मामला 9 साल बाद भी मौलिक है। ट्रस्टियों की जानिब से हर महाज पर कोशिश की जा रही है, लेकिन डेवलपर्स के साथ मुकामी शरपसंदों ने मुसलसिल रुकना अंदाजी की और कुछ सियासतदानों ने भी दरपर्दा मुखालिफिन की सरपरस्ती की। इसका नतीजा यह है कि इतने तवील अरसे बाद भी नई मस्जिद की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी है। मस्जिद से मुतसिल जिस इमारत के हिस्से में इसकी बुनियाद डेवलपर के जरिए माहदे के मुताबिक डाली गई थी, रुकना अंदाजी के सबब बुनियाद के अलावा तामीर का काम आज तक आगे नहीं बढ़ सका। डेवलपर की जानिब से छोटा सा हॉल नमाज की अदायगी के लिए दिया गया है, लेकिन वो नाकाफी हो रहा है। चुनांचे मजबूरन फुटपाथ पर भी जुमे की नमाज के दौरान
कुछ मुसल्लियों को खड़े होना पड़ा है। इस ताल्लुक से मस्जिद गौसिया की खिदमत कमेटी के रुकन और मस्जिद की तामीर के कोशां रहने वालों में शामिल इकबाल मीनान ने मीडिया को बताया कि फुटपाथ पर नमाज की अदायगी के लिए पुलिस की जानिब से सख्ती की गई, लेकिन जब इन्हें बरसों पुरानी सूरत हाल बताई गई कि पहले से नमाज अदा की जाती रही है और इस वक्त हम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के दर्जे में फुटपाथ पर नमाज जुम्मा अदा करते हैं, अगर माहदे के मुताबिक 9 साल कबल आकृति बिल्डर ने नई मस्जिद बना दी होती तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुकामी मुसलमानों के लिए मजबूरी यह है कि वह नमाज अदा करने के लिए कहाँ जाएँ। पहले हमारी जो मस्जिद थी इसका बेशतर हिस्सा तोड़कर डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन मस्जिद की तामीर का मामला मौलिक कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। मौजूदा वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे के ताल्लुक से कयास लगाया जा रहा है कि वो अपना ओहदा छोड़ने जा रहे हैं और रियासत को नया वज़ीर-ए-आला मिल जाएगा। अजीत पवार, जयंत पाटिल, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई नामों पर बहस हो रही है। इसी दरमियान एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल के एक दावे ने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी है। जयंत पाटिल ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र का आइंदा वज़ीर-ए-आला नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी से होगा। हालांकि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में बात करते हुए एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट अमूल कोले ने बयान दिया था कि जयंत पाटिल को रियासत का वज़ीर-ए-आला बनना चाहिए। इसके बाद अब जयंत पाटिल के बयान की वजह से सियासी हलकों में काफ़ी बहस हो रही है। रियासती उत्तर प्रदेश के बल्दियाती व इदारे जात मुकामी के इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर लखनऊ के 10 नशिस्तों के बशमूल रियासत भर में कॉरपोरेटर्स की जुमला 432 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान पवन राव अम्बेडकर ने बताया कि हमने साल 2017 में भी इदारे जात मुकामी के इंतखाबात में हिस्सा लिया था। शहर लखनऊ में अब हमारा नतीजा बेहतर नहीं था, लेकिन अब हमारी पार्टी रियासत भर में मुकाबला कर रही है। अम्बेडकर ने कहा कि इन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरियों से मुतालिक मसाइल को उठा रही है। उन्होंने कहा कि कचरे की निकासी का खराब इंतजाम, खस्ता सड़कें और ट्रैफिक, शहर लखनऊ और रियासत के दिगर मुकामात पर सड़कों पर रोशनी के खराब इंतजाम जैसे मसाइल को इनकी पार्टी अवाम के रूबरू पेश कर रही है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश और ज़्याला बारिश की पेशकशी की है। IMD ने अपने एक ट्वीट में कहा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, वसती हिंदुस्तान, जनूबी हिंद, मशरकी हिंद और शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में कई इलाकों में मौसलाधार बारिश और ज़्याला बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी हल्की औसत बारिश की पेशकशी की गई। काबिज़ सहयोनी फौज ने इतवार को मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया। बाद अज़ां यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने इजरायली पुलिस और फौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में बाबे रहमत के मुकाम पर धावा बोला और मजहबी रसूमात अदा की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम तेलंगाना की आलिशान सेक्रेटरेट इमारत का मजहबी रसूमात और पूजा पाठ के दरमियान इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना सेक्रेटरेट मुल्क की तमाम रियासतों में अपनी नवियत का सबसे वसी व अरीज और असरी सहूलतों से आरास्ता है, जिसकी तामीर पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपये खर्च किए गए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर ने मुतहदा आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरेट में सहूलतों की कमी और कदीम इमारतों के सबब मुनज़िम करते हुए नए सेक्रेटरेट का मनसूबा बनाया था। अपोजिशन की मुखालिफत और अदालत में मुकदमात के बावजूद KCR ने अपने मंसूबे को तर्क नहीं किया और माहरीन की कमेटी के जरिए नए सेक्रेटरेट का मनसूबा तैयार करवाया। 27 जून 2019 को KCR ने नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इमारत के डिज़ाइन की तैयारी में आर्किटेक्ट डॉक्टर ऑस्कर और पुनी कौनसियू ने अहम रोल अदा किया। तामीरी कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। सेक्रेटरेट की नई इमारत के तामीरी कामों का जनवरी 2021 में आगाज हुआ। इमारत 77,982 मुरबा फीट पर मुहित है और इसकी ऊंचाई 265 फीट है। नए सेक्रेटरेट का मुकम्मल रकबा 28 एकड़ है। सेक्रेटरेट में इस्तेमाल होने वाली बर्फी के लिए सोलर प्लांट्स नसब किए गए हैं। 26 माह के रिकॉर्ड वक्फे में इमारत की तामीर को मुकम्मल कर लिया गया, जबकि आमतौर पर इसी इमारत के लिए 5 साल दरकार होते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों में तेलंगाना की गैरमामूली तरक्की उन लोगों के चेहरों पर एक तमाचा है जिन्होंने नई रियासत की मुखालिफत की थी। चीफ मिनिस्टर राज सेक्रेटरेट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद अहदेदारों और मुलाजमीन के जलसे से खिताब कर रहे थे। KCR ने कहा कि तमाम शोबेजात में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है और ये तेलंगाना की तामीर नौ का एक बैन सबूत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में कई अफराद ने अंदेशा जाहिर किया था कि नई रियासत में तरक्की मुतासर होगी और तेलंगाना पसमानदगी और तारीखी की सीमा डला जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 9 सालों में इन तमाम अंदेशों का अजाला करके तरक्की और फलाह व बहबूद में मुल्क के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि मुतहदा आंध्र प्रदेश में प्लानिंग कमीशन ने हैदराबाद के सिवा दीगर तेलंगाना अजला को पसमानदा करार दिया था और यह सवाल किया जा रहा था कि पानी और बर्फी के बगैर तरक्की कैसे मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम अक्सर ये सवाल करते थे कि तेलंगाना की तामीर जदीद का क्या मतलब है, क्या आप सारे तेलंगाना को मुनज़िम करके दोबारा तामीर करना चाहते हैं।
इस तरह से तौहीन आमेज गुफ्तगु की गई, लेकिन आज नए सेक्रेटरी से हम जवाब दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीरे दाखला मोहम्मद महमूद अली ने नए सेक्रेटरी की पहली मंजिल पर चैम्बर में अपना जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर कुरान खानी और खसूसी दुआ का अहतमाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीरे दाखला मोहम्मद महमूद अली की दराजी उम्र और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। जायजा लेने से कबल महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर KCR के चैम्बर में उन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीरे दाखला के जायजा लेने के मौके पर उन्होंने सबसे पहली दस्तखत हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में नए जोन की तंजीम जदीद से मुतालिक फाइल पर की। सेक्रेटरी दाखिला जितेंद्र, DGP अंजनी कुमार, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा DS चौहान, कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा, एडिशनल DCP संदीप शंडलिया, शिखा गोयल, महेश भगवत, स्वाति लकड़ा, नागी रेड्डी, चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर ने वज़ीरे दाखला को मुबारकबाद पेश की। मजहब को रुसवा करने के लिए कौमी मीडिया और मुस्लिम दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर की एक तस्वीर के साथ बेबुनियाद मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए न सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज इस बात का इंकशाफ हुआ है कि यह खबर पड़ोसी मुल्क या हिंदुस्तान की किसी रियासत की नहीं बल्कि शहर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ खबरस्तान की है, जहां मरहूम के विरसा ने इस खबर में जो मिट्टी की है इसमें किसी और की तदफीन ना हो इसके लिए जगह को महफूज किया है। गुज़श्ता चंद दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के खबरस्तान की करार देते हुए यह दावा किया था कि इस खबर को मरहूमा के वालिदैन ने नाश की हुरमत को पामाल होने से बचाने के लिए गेट लगाते हुए ताला डाला है। शहर हैदराबाद के इलाके मादानापेट में वाक़ खबरस्तान जामा मस्जिद मकबरा सालार मलिक के खबरस्तान में मदफून इस खातून के रिश्तेदारों से रबता तो नहीं हो पाया, लेकिन खबरस्तान व मस्जिद के जिम्मेदारों ने इस बात की तौसीफ करते हुए कहा कि इस खबर को विरसा ने जो मुखफल किया है इनका मकसद खबर में किसी और को तदफीन की गुंजाइश ना रही इसलिए जाली लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक जाली लगाने पर इब्तदा में ही एतराज़ किया गया था, लेकिन मरहुमा के विरसा ने इस जगह के तहफ़ और मिट्टी की खबर होने के सबब इसे मिटाए जाने से महफूज रखने और इसकी जगह किसी और तदफीन ना होने देने का इस्तदलाल पेश करते हुए जाली नसब की है। कौमी ज़राए इब्लाग इदारों के अलावा कौमी एजेंसियों ने इस खबर के मुताबिक तहकीक के बगैर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर को बुनियाद बनाते हुए जो कहानी गढ़ी है इससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों को और इनसे जुड़ी चीज़ों को बदनाम करने में मीडिया किस कदर मुआवन साबित हो रहा है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को नए सेक्रेटरीट की इमारत की तकमील और इसके इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सेक्रेटरीट की नई इमारत को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मौसूम किया गया है, ये मसरत की बात है। सेक्रेटरीट की ये इमारत तेलंगाना की जामे तरक्की की कहानी की अलामत होनी चाहिए। मरकजी वजीर सकाफत और सयाहत जी किशन रेड्डी को इतवार की शाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में दाखिल कराया गया। ज़राए ने यह इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि किशन रेड्डी को सीने में जकड़न की शिकायत के बाद रात तकरीबन 11 बजे अस्पताल में शरीक किया गया। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर को कार्डियो न्यूरो सेंटर के हार्ट केयर यूनिट में दाखिल कराया गया है। इससे पहले दिन में मरकजी वजीर सकाफत ने कहा कि वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी का महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात हिंदुस्तान की विरासत, तारीख और सकाफत को उजागर करता है। किशन रेड्डी ने दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रेडियो प्रोग्राम के 100वें एपिसोड के मौके पर नुमाइश जनशक्ति एक इज्तिमाई ताकत के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। शहर हैदराबाद में इतवार की रात तूफानी बारिश हुई है। तेज तरीन हवाओं और गरज चमक ने शहर में अफरा तफरी पैदा कर दी। तकरीबन 2 घंटों तक हैदराबाद के अलावा दीगर अजला मेरचल संगारेड्डी और रंगारेड्डी में जबरदस्त बारिश हुई है, जहां महकमा मौसमियात ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। गचीबोली के ख्वाजा गुड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रात 10 बजे सबसे ज़्यादा 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि शेखपेट और जुबली हिल्स में बिलल तरतीब 52 मिलीमीटर और 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों बशमुल मियाँपुर, खुदबुल्लापुर, एलवी नगर, उपल, सरूनगर, अंबरपेट और खैरताबाद में भी तूफानी बारिश देखी गई। जेडीमेटला, माधापुर, गच्चीबोली, रायदुर, कोकटपली, बोड़ाबंडा, मोतीनगर, एरागड्डा, सनतनगर, अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, पंजागुट्टा, समाजीगुड़ा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, तारनाका, दिलसुख नगर, एलवी नगर और वनस्थलीपुरम के कई कॉलोनियों के मकानों में पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश और हवाओं की वजह से कई मुकामात पर बर्फी सरबराही मुनक़ता हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।